गया गांधी मैदान में जदयू के प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। मौके पर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव से राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह सहित कई विधायक एवं मंत्री हुए शामिल। हाईकोर्ट का आदेश है, निश्चित रूप से जिन लोगों के पास भी मकान होगा सबको खाली करना पड़ेगा। नाम लिए हैं वो विधायक जी और विधायक होने के नाते घर भी मिलता है और वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कई बार वो MLA भी रहे हैं। तो जो घरों का आवंटन होता है ना उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा जी, जिसमें उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए राजनीति किसी का कोई खत्म नहीं कर सकता है, राजनीति खत्म अपने आप से होती है। आप जो करेंगे उसका भुगते वो जाने, भाई हमारे साथ थे तो हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देखिए हम लोग तो इस मामले में बड़े उदार रहते हैं जी, लेकिन जो चले जाते हैं उनको जहाँ जाते हैं या जिस रास्ते पर जाते हैं सब लोगों को निराशा ही होती है। एक बात जान लीजिए, हमारे नेता किसी के साथ निरादर के भाव नहीं रखते और हमारे नेता सबको सम्मान देते हैं, उचित स्थान देते हैं। या सवाल ये उठता है ना कि हम लोग तो किसी प्रकार के प्रेजुडिस से ग्रसित नहीं रहते जी, और हम लोग बिल्कुल ओपन माइंड रहते हैं। जिनको आना है वो स्वागत करते हैं, जिनको जाना रहता है उनको प्रणाम करते हैं। क्या करना, अगर कोई भी कहीं भी किसी कानून का कोई उल्लंघन करेगा तो जो कानून का उल्लंघन करिएगा, देश में जो कानून है उसका पालन किया जाता है, तो किस तरह एक देखिए एक समस्या क्या है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ दिया, संविधान पढ़े तब नहीं लोग, संविधान की पढ़ाई जो होती है आप जानते हैं वो सब कॉलेज वगैरह में होता है, कॉलेज तो लोग गए ही नहीं तो संविधान क्या पढ़ेगा। तो संविधान पढ़े तो करें उसी को बचाओ। संविधान तो हिंदुस्तान का बिल्कुल ऐतिहासिक संविधान है जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था और इस संविधान में जरूरत के हिसाब से बराबर आप जानते हो उसमें तरह तरह का अमेंडमेंट होते रहता है। और हिंदुस्तान का जो संविधान है वो पूरे देश के नागरिक को सब तरह की स्वतंत्रता देता है और सब लोग को अपने आप आगे बढ़ने का मौका देता है। संविधान हमारा बहुत अच्छा है और संविधान क्या बचाना है, संविधान तो दोस्त लोगों को बचाता है, संविधान को कौन बचाएगा। सभी क्षेत्रों में काफ़ी विकास का काम किया गया है और इसे सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि यहाँ की आम जनता स्वीकार करती है कि भाई काम करने वाला मुख्यमंत्री अगर कोई देश को मिला है, बिहार को नहीं देश में इनकी पहचान है, काम करने वाला विकास कार्य को आगे बढ़ाने वाला मुख्यमंत्री के रूप में, इसलिए आज हम सब लोगों को फख्र है, हम गर्व करते हैं। हमारे पास ऐसे नेता हैं जिनकी राष्ट्रीय छवि है, ईमानदार नेता की छवि है और काम करने वाले की छवि है। पूरा राष्ट्र जानता है कि श्री नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता है जो विकास के अलावा दूसरी कोई बात नहीं सोचते। राज्यसभा सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय महासचिव का गया के कंडी नवादा के निकट जदयू के सदस्य सह नगर निगम पूर्व मेयर विभा देवी एवं उनके पति इंद्रदेव यादव के द्वारा किया गया भाव अभिनंदन। मौके पर पूर्व मेयर विभा देवी के सैकड़ों समर्थक हुए उपस्थित। परमंडलीय स्तर पर कार्यक्रम पहले से तय किया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शुभ आगमन था, किसी कारणवश शायद नहीं आ पा रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव देखते हुए जो कार्यक्रम किया जा रहा है, लाखों की संख्या में भीड़ लग रही है। हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए साथ हैं, जदयू संगठन मजबूत हो और हमारे सरकार की संगठनता मजबूत हो। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्य क्रियाकलाप रहा, कार्यशैली रहा, ये बहुत मुझे पसंद है। पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करना, विधि व्यवस्था कायम करना, गांव से गांव रोड जोड़ने का काम किया, बिजली के काम किए, पानी, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सुदृढ़ हुई। मैं इसे ध्यान में रखते हुए इनकी क्रियाकलाप मुझे पसंद आई। मैं इनके पार्टी को मैंने सदस्यता ग्रहण की और मैं संकल्प ली हूँ कि इनके हाथों में हाथ कंधे से कदम चलाकर मैं मजबूती के साथ इनके काम करूंगी। पूरे प्रमंडल से लाखों की संख्या में गया के गांधी मैदान में पूर्व निर्धारित प्रमंडलीय से कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं कार्यकर्ता। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी हेतु ये कार्यक्रम रखा गया था।
हम लोग जेल में ज्वाइन कर करके संगठन मजबूत करने का प्रयास भरपूर करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में अपार बहुमत से चुनाव जीतने का, अपने दल के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। बिहार में जब से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तब से लोग खुले हवा में सांस लेने, चैन का जीवन जीना शुरू किया और उसके बाद मूलभूत सुविधाएं जो पूर्व के सरकारों द्वारा मुहैया नहीं कराई गई थी, जमीन पर नहीं उतरता था, इनके रीजन में, इनके कार्यकाल में जो भी योजना संकल्प की उसको जमीन पर उतार करके पब्लिक के नज़र में बिजली, पानी, रोड, सड़क, शांति व्यवस्था, सद्भाव, आपसी सद्भाव, शराबबंदी, इस तरह का दहेज विरोधी बंदी, इस तरह का जो जितना भी योजना चलाए हैं, नीतीश कुमार समाजवादी नेता हैं, समाजवादी चिंतक हैं और हम लोग समाजवादी परिवार से जुड़े हुए पहले पूर्व से भी हैं, समझ गए कि नहीं, आज रात दिन किसी भी समय रोड पर चलते हैं तो किसी प्रकार का भय नहीं लगता है। युवा जदयू के गया जिला अध्यक्ष कमलेश शर्मा के द्वारा जुलूस निकालकर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह का बेलागंज में किया गया भव स्वागत। वहीं बेलागंज से कमलेश शर्मा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आरसीपी सिंह को स्कॉर्ट कर पहुंचाया गया गांधी मैदान। आज हम लोग गया गांधी मैदान में जनता दल यू का कार्यकर्ता सम्मेलन है, उसमें हम लोग हजारों युवाओं के साथ वहाँ माननीय नेता रामचंद्र बाबू के रिसीव करने जा रहे हैं गया बॉर्डर पर। वहाँ से गांधी मैदान में हम लोग उनके भाषण सुनेंगे और कार्यक्रम सिलेक्ट करेंगे। ऐसा है कि हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खासकर युवाओं के लिए जो कार्यक्रम चला रहे हैं, उस कार्यक्रम को लोगों तक बताना और हर युवा को बता करके, और जो साथ नीचे और बहुत सारे योजनाएं जो अभी नया नया जो अभी किए हैं, अभी वृद्धा पेंशन 50, उस सारे लोगों को बताना है और उनके बातों को सुनना है और जाकर गांव-गांव कार्यकर्ता को बताना है, पार्टी को मजबूत करना है। गया के अनुग्रह कॉलेज स्थित ला विभाग में मंगलवार को सत्येंद्र नारायण सिन्हा सभागार का शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने रखा शिलान्यास। मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग के फंड से सभागार के लिए दिए गए हैं 1,20,00,000 रुपए। पहली दफ़ा तो लोगों ने हमसे डिमांड किया था छोटे साहब के नाम पर यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल की, और मैं पटना जाते ही लग गया और यहाँ 1,20,00,000 के आसपास राशि हमने दी है शिक्षा विभाग से, और उससे वो सत्येंद्र राव के नाम पर वो कॉन्फ्रेंस सभागार का निर्माण होगा। दरअसल हम इस कॉलेज से मेरा सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, बाबू साहब के साथ हमारे बाबू जी की राजनीति थी और उसी को आगे बढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं इंदिरा बाबू का के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, सम्मान पूर्वक उन्हें याद करता हूँ और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इस महाविद्यालय के लिए मुझे और कुछ करना चाहिए और अगर समय आया तो मैं और भी इसके लिए कुछ करूँ। गया के चनौती थाना अंतर्गत कंडी नवादा स्थित होम पाइप गली में रिटायर्ड क्लर्क जय कुमार के बंद घर से चोरों ने नकदी जेवर बर्तन समेत लगभग 15,00,000 रुपए की चोरी। चनौती थाना अध्यक्ष धर्म प्रकाश ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस के द्वारा मामले की जा रही है जाँच पड़ताल। हम लोग बेटी के एडमिट थी पटना में, उसी के देखने के लिए पटना गए थे, वहाँ 2-4 दिन रुक गए हैं, 4-5 दिन 13 तारीख के निकले थे, आते आते देखते हैं कि ताला वाला सब टूटा हुआ है, सामान से बिखरा हुआ है, चोरी जितना सामान था, बर्तन जितना था, छोटा मोटा जेवर था और कुछ कैश भी था, सब ले गया। टीवी बड़ा टीवी था 45-46 इंची का, एक और टीवी था रूम में, पीतल का बर्तन उर्तन बताइए सब ले गया। सर 10,00,000 से ऊपर का होगा, 10,00,000 से ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा, नगद ज़्यादा नहीं होगा, 1,00,000 से नीचे होगा नगद, लगन हम उतना हम तो रखते नहीं हैं। मेन गेट खोले तो ताला नहीं खुला, ताला नहीं खुलने के बाद हम लोग को डाउट हुआ कि कुछ ताला में छेड़छाड़ हुआ है, तो देखते हैं ताला में मरा हुआ है, तभी अंदर से बाउंड्री के अंदर घुस करके उसके बाद हम लोग उसको मिस्त्री बगल में लगा हुआ काम कर रहा था उसे ताला तोड़वा है, हम लोग इन किए हैं, तो बगल वाला बड़ा फाटक वाला से जिससे हम लोग निकले थे उसका खुंडी टूटा हुआ है, ताला नहीं टूटा लेकिन खुंडी तोड़ के वो घुस गया अंदर, अब मैंने गेट से निकला है सर।
की मदद से 800 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकालकर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। तिरंगा यात्रा में शामिल छात्रों के द्वारा हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। गया के आजाद पार्क पर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए किया गया यज्ञ। गया के समाज सेवी सह शिक्षाविद निशांत कुमार के द्वारा 45 शहीद जवानों के लिए 45 हवन कुंड बनाकर सामूहिक यज्ञ का किया गया आयोजन। ये शहीदों की आत्मा की शांति के लिए हवन कर रहे हैं और शहीदों को इस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वे हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, बॉर्डर पे अपनी जान देते हैं, हम लोग देश के लिए कुछ नहीं करते। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के लिए। घर से बाहर निकलकर इस तरह से जवानों का हौसला बढ़ता है। वो सोचते हैं कि अगर लोग इस तरह से हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम लोग भी जोश से दुश्मनों का सामना करना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं पुलवामा में शहीद हुए माँ भारती के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देता हूँ। ये आयोजन उसी संदर्भ में है, देश उबल रहा है, देश खौल रहा है और उसी को प्रकट करने के लिए, अपनी उबाल को प्रकट करने के लिए आज हम लोगों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जैसे हर वर्ष करते हैं। ये एक विशेष मौका था, पूरे गया शहर के अंदर एक उबाल था, उसको प्रकट करना था। साथ ही साथ अभी आज़ाद पार्क में 45 शहीद जो हुए हैं, पहले 40, 1 और 4, कुल 45 शहीदों के लिए एक हवन कुंड बनाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए सामूहिक यज्ञ और प्रार्थना जो है ये की जा रही है। अभी तो विचारों का और मानवीय मूल्यों की बात करने की बात नहीं है, अभी कबूतर उड़ाने की बात नहीं है। देश के अंदर और बाहर जो गद्दार मौजूद है, जो दुश्मन मौजूद है, उनको बस एक ही संदेश होना चाहिए कि आप 50 करोड़ युवाओं के देश को आप ठेहुने के बल नहीं बैठा सकते। 50 करोड़ युवाओं का देश कभी ठेहुने के बल बैठ के रेंगेगा नहीं, ये उड़ेगा, ये उन्मुक्त परिंदे की तरह उड़ेगा। ये संदेश भारत की गली गली से निकल रहा है। आज जिस प्रकार 71 में वो दो भाग में बटा, पाकिस्तान की फौज आज तक उस इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, है ना, कुंठा से आज तक निकल नहीं पाई है। इस कुंठा को बाहर निकालने के लिए सारा उनका ये प्रयास है। साथ ही साथ रेडिकल इस्लाम का भी इसमें बड़ा योगदान रहा है। देखिए, ये केवल कोई बॉर्डर पे लड़ाई लड़े जाने वाली या बंदूक से लड़े जाने वाली लड़ाई नहीं है। हमें समझना होगा कि ये लड़ाई वैचारिक है, भारत पर आज के वक्त में सिविलाइजेशनल थ्रेट है, सांस्कृतिक हमला है हमारी संस्कृति पर। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है, इस पर हमला है। तो हम कैसे सिविलाइजेशनल थ्रेट से निकले, ये हमारी सबका हमारी चिंता होनी चाहिए। मैं बार बार कहूँगा, मजबूत बनने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी कर व्यवस्था को, अपनी शिक्षा व्यवस्था को, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को, सबको मजबूत करें। किड्जी इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। निर्देशक सी ए विजय कुमार यादव के मार्गदर्शन में इंडियाज फेवरेट प्री स्कूल अब आपके अपने ही क्षेत्र, बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी, गया बोध गया रोड, गया में। एक वर्ष से ऊपर के आपके नौनिहालों को खेल ही खेल में अत्याधुनिक तरीके से पढ़ाने एवं व्यस्त रखने हेतु भारत का सर्वोत्तम प्री स्कूल अब आपके शहर गया में। किड्जी प्ले स्कूल, बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी, गया बोध गया रोड, गया। किड्जी, जहां आरंभ से ही बच्चों को एक साथ रहने, सहयोग करने एवं आत्मविश्वासी बनाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। हमारे लिए प्रत्येक बच्चा खास है, तो फिर देर क्यों, आज ही अपने अनमोल सुपर स्टार का नामांकन इंडियाज फेवरेट प्री स्कूल किड्जी प्ले स्कूल में करवाएं। हमारा पता है किड्जी प्ले स्कूल, बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी, गया बोध गया रोड। मोबाइल नंबर 9065589677। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है।
किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। अब आसान किश्तों में जमीन और फ्लैट खरीदने के सपनों को करे साकार। गया डोभी मुख्य सड़क बजौरा के समीप स्टार सिटी के द्वारा मात्र 11,000 के आसान किश्तों पर और गया फतेहपुर रोड बंधुआ गुमटी के समीप 8,500 के आसान किश्तों पर जमीन उपलब्ध है। और बोधगया रामपुर में सचिन क्लिनिक के निकट बुद्धा स्टार सिटी के द्वारा डुप्लेक्स और बंगलो उपलब्ध है। इस तरह भूस्वामी कंपनी का एक विंग सन सिटी जो आसान किस्तों में फ्लैट बनाकर देती है। 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारा सपना सबका घर हो अपना। गया पटना सड़क मार्ग पर बिथो के समीप अपार्टमेंट का निर्माण जिसमें मॉल भी रहेगा और दूसरा गया डोभी रोड एयरपोर्ट के समीप हरियो में शीघ्र ही अपार्टमेंट के लिए भूमि पूजन किया जाना है। तो हमारा पता याद रखिए, भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज, पता डॉक्टर वजीर अली रोड, धामी टोला, गया। कॉल फॉर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट नंबर 8002964951 या 0631222190।